कांग्रेस पार्टी आपके ज़रिए ये स्पष्ट कहना चाहती है कि एक बहुत ही गंभीर आघात हमारे सबसे डायनेमिक, व्यापक और ज़बरदस्त स्तंभ जो है लोकतंत्र का, न्यायपालिका, उस पर किया गया है। जो मैं कह रहा हूँ या कांग्रेस पार्टी कह रही है, उसका किसी व्यक्ति विशेष से, जस्टिस गोगोई से कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध है नीति से, सिद्धांत से, और हमारे जो विरासत में और जो नियम 70 साल में अलग अलग सरकारों ने, अलग अलग लीडर्स ने, अलग अलग प्रधानमंत्रियों ने बनाया था, उस सिद्धांत का उल्लंघन। हमारा संविधान काम करता है एक दूरी के आधार पर, जिसको सेपरेशन ऑफ पावर्स कहा जाता है, और विशेष रूप से वो दूरी होती है दो में, सिर्फ तीनों में नहीं, न्यायपालिका एक तरफ, कार्यपालिका और विधायिका दूसरी तरफ। ये हमारे संविधान का मूल आधार ढांचा कहा जा सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है उच्चतम न्यायालय द्वारा। तीसरा पहलू, हमारी न्यायपालिका का जो ऊर्जा है और जो प्रभाव है और जो मजबूती है, पावर है, वो आता है सोच से, आस्था से, परसेप्शन से, विश्वास से, और इन चारों चीज़ों से ज़्यादा आता है बनिस्पत सच्चाई से। सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन आस्था, विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज आस्था, विश्वास, परसेप्शन पे बहुत बड़ा एक आघात हुआ है, एक प्रश्न चिन्ह लगा है, और एक जो परसेप्शन उठ रहा था कुछ वर्षों से कि कमजोरी आ रही है हमारे न्यायपालिका में, विशेष रूप से इस कार्यपालिका के आक्रमणों से, वो परसेप्शन दुर्भाग्यपूर्ण बढ़ेगा, बढ़ रहा है, इससे और बढ़ेगा। मैं दो तीन मिथ्या प्रचार, जो आम बात है बीजेपी के लिए हर विषय में करना, वो आपके मस्तिष्क से हटा दूं। मिथ्या प्रचार नंबर वन, आपने भी किया था तो पहली बात तो बता दूं मैं कि अगर कोई गलत किया था हमने, तो क्या आप उस गलती का समर्थन करते हैं या क्या दो गलतियां सही हो जाती हैं? लेकिन मैं बिल्कुल नहीं मानता कि गलत कुछ किया था। क्यों? क्योंकि ये मिथ्या प्रचार है। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा का उदाहरण दिया जाता है, लेकिन आपको साथ साथ ये नहीं बताया जाता कि मुख्य न्यायाधीश भारत के पद से पद छोड़ने के 6 वर्ष बाद वो राज्यसभा में आए। 6 वर्ष, 70 महीने बाद, 72 महीने बाद। दूसरा उदाहरण दिया जाता है माननीय श्री हिदायतुल्ला जी का। पहली बात तो उपराष्ट्रपति बने, राज्यसभा का उदाहरण नहीं है। दूसरा, वो बने 9 वर्ष बाद। तीसरा उदाहरण दिया जाता है बहरुल इस्लाम का, जस्टिस। तथ्यों का कोई आधार नहीं है, जो चल जाए चल जाए, मिथ्या प्रचार चल जाए चल जाए। माननीय बहरुल इस्लाम जी 6 या 5 वर्ष पहले राज्यसभा के मेंबर थे, उसके बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बने। विपरीत एग्जाम्पल है, और वो भी 6 वर्ष। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आम ब्यूरोक्रेसी में, आम पदों पे न्यूनतम 2 वर्ष के लगभग, जिसको आप कूलिंग ऑफ पीरियड कहते हैं, वो होता है। क्यों होता है? उसका औचित्य क्या है? उसका अभिप्राय, उद्देश्य क्या है? ये मानते हैं कि जो आपका एक संबंध, लिंक, नेक्सस हो सकता है, वो 2 वर्ष में टूट जाएगा। मैंने आपको उदाहरण दिए 9, 6 और 6 वर्षों के। इस उदाहरण में जो आज हुआ है, कल हुआ है, इसमें कितना अवकाश है? 4 महीने। एक राज्यपाल की नियुक्ति की थी आप ही ने कुछ वर्ष पहले, और ऐसे कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें आपने एक मूल ढांचे की तरफ, न्यायपालिका के स्वतंत्रता की तरफ एक बहुत बड़ा आघात किया है। मैं अपनी बात को अंत करना चाहूँगा ये कह के कि कम से कम हमारी नहीं सुनते हैं तो अपनों की तो सुन लीजिए, जिनको आप तथाकथित अपना मानते थे। मैं श्री जेटली को कोट करना चाहता हूँ, कोट अनकोट,
प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय डिजायर फॉर अ पोस्ट रिटायरमेंट जॉब अनकोट. ज्यादा व्यापक रूप से उन्होंने ही कहा था, फॉर टू ईयर्स आफ्टर रिटायरमेंट देयर कोट अनकोट है, मेरे शब्द नहीं है, फॉर टू ईयर्स आफ्टर रिटायरमेंट देयर शुड बी अ गैप बिफोर अपॉइंटमेंट बिकॉज अदरवाइज द गवर्नमेंट कैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द कोर्ट्स एंड द ड्रीम टू हैव एन इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल एंड फेयर जुडिशरी इन द कंट्री वुड नेवर एक्चुलाइज अनकोट. अब ये वक्तव्य माननीय प्रधानमंत्री के सुनने के लिए हैं, काम करने के लिए नहीं. ये वक्तव्य विपक्ष के विपक्ष में होने तक सही हैं और सत्तारूढ़ बनने के बाद सही नहीं रहते. ये कौन सा रीति रिवाज है मैं नहीं जानता. मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आपने अपने खुद के लोगों की बात नहीं मानी, भारत की विरासत और लेगेसी को इग्नोर किया. 70 साल का एक जो नियम है उसका बड़े बेशर्मी से उल्लंघन किया. और मैंने खुद ने अभी कुछ समय आर्टिकल में लिखा था कि देर इज़ बीन इन कोर्ट्स अ टेंडेंसी टू अवॉइड मैटर्स और एडजर्न देम व्हेन इट ट्रूली मैटर्स. माई फियर इज दैट द जुडिशरी हैज़ लॉस्ट सम ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस एंड द फियरलेसनेस दैट इट नीड्स टू चेक द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव. आपने क्या इस दिशा में एक और बड़ा प्रहार नहीं किया है दुष्प्रभाव वाला? ये प्रश्न कांग्रेस पूछ रही है, देश पूछ रहा है. फ्रेंड्स, लेट मी थ्रू यू टेल द कंट्री दैट द कांग्रेस फाइंड्स दैट द नॉमिनेशन यस्टरडे ऑफ अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस टू द राज्यसभा इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस अनप्रेसिडेंटेड एंड अनपार्डनेबल असॉल्ट्स ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which subsumes independence of the judiciary as held by Supreme Court judgments. Please note that this is not a briefing about any individual. It is certainly not a briefing about Justice Gogoi. I have written that he is one of the brightest judges who would perhaps himself agree with the principle which I am now advocating. This is about a principled briefing. What is that principle? That principle is that our Constitution is based on a separation of powers, in particular a separation between the judiciary on the one side and the executive and legislature on the other. This is a pillar of our constitutional jurisprudence. Secondly, our judiciary thrives, strengthens, works, prospers on perception, on faith, on belief, on aastha, on vishwas. All of these pillars on which the judiciary stands have taken a beating yesterday. These pillars matter more than reality and actuality. And when this is shaken in the minds of the public, the institution is decimated. Friends, let me straightaway disabuse you of the usual dirty tricks department of the ruling party, which gives completely inapplicable and misleading examples whose only object is to derail, divert and digress, to mislead you, to fool you and to think that the people of this country eat grass and are ready to be fooled. Example number one, wrong and inapplicable but given, is that of Justice Ranganath Mishra. It is not told to you that he was appointed to the Rajya Sabha 6 years after he demitted office as a Chief Justice of India. 6 years. Over half a decade. Example is given of Justice Hidayatullah, who of course never went to the Rajya Sabha but became a vice president and therefore sat in the Rajya Sabha. He got that post as vice president after 9 years of retirement. A third example, again equally misleading, is given of Behrul Islam. A, he was a Rajya Sabha member 6 years, mark my words, before becoming a Supreme Court judge. Second, in any case, it was 5 to 6 years later. Friends, we have examples on puny bureaucracy, on lower posts, smaller posts, where independence is not so vital, where minimum 2 years cooling off period is prescribed. Why is that? What is the underlying rationale of that? It is to snap the nexus, if any, between your previous incumbency and the newer appointment, and thereby interpose an interval of time. What is the time here?
फोर मंथ्स. इज दिस नॉट एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन द फेथ एंड कंप्लीट आस्था एंड विश्वास इन द जुडिशरी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ आर डेमोक्रेसी, मच मोर इंपॉर्टेंट देन ऑल अदर सेमिनार्स एंड लेक्चर्स एंड बुक्स एंड राइटिंग्स. फ्रेंड्स, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द परसेप्शन विच इज बीन ग्रोइंग फॉर सम टाइम that the judiciary is not able to stand up with its usual vigor and fearlessness against executive and legislative assault and onslaught should not be given a push by this government. It is ultimately a matter where all should look inside and look at the true principle. And if you don't like us, if you like to abuse us, at least listen to your own. I will quote Jetli, who spoke at great length. He said, I quote, pre-retirement judgments are influenced by a desire for a post-retirement job. But more importantly, he went on to say, I again quote, for 2 years, I'm quoting him, it's not my words, for 2 years after retirement, there should be a gap before appointment, because otherwise the government can directly or indirectly influence the courts. And the dream to have an independent, impartial and fair judiciary in the country would never actualize, unquote. I leave it to you to judge that you don't like to follow your own. Don't follow us. I leave it to judge to you that these high-sounding principles and sermons are meant only when you are in the opposition, not when you are in power. I leave it to you to judge that are you not putting a question mark on the most dynamic and vibrant institutional pillar of Indian democracy? You, the government, are responsible. It's an institutional issue, not a person-based issue. Thank you. Question nahi aaya abhi tak. What should I say? Nothing. We'll wait. Tomorrow is the date. You'll have information tomorrow. They have gone to court. They have got notice. And tomorrow we have a full right to argue and reply. I can only share with you that I'm representing the speaker. I am the main counsel for the speaker. And we will give an appropriate reply tomorrow. And on subsequent dates as the court may think fit. If I was to start discussing as the main counsel for the main party, one day before the court, then I don't think we'll need the court, sir. See, I think coronavirus is a matter of national importance, cutting across party lines. It should not be a divisive political issue. I think the government is trying its best. I am not at all criticizing the government. But I am saying this, that there seems to be some, and I'm saying it with deepest respect and actual constructive suggestion. I'm not saying it out of criticism. It is some degree of contradiction that the Prime Minister, on the one hand, clearly says that you should have social distancing. You should have working from home. You have OMA, schools, colleges, courts, where I go every day, at all three levels, are functioning at 10-20%. Parties, get-togethers, travel. On what principled basis can Parliament be an exception? I don't know the figures, but Parliament would have, I'm sure, something like 1,500 people every day, possibly 2,000, all told. Now, I don't think that there should be one day less functioning of Parliament. But we have an inbuilt mechanism to make up. If you don't sit now, you can sit later. In fact, I must share with you that I have suggested to the courts that they can cancel sittings for 1.5 months and sit right from May to July and forego the summer vacation. It's only my personal suggestion. I'm not speaking to the Congress party. But these calibrated, correct, nuanced approaches would be better for Parliament and in line with the Prime Minister's thinking. So, as in the other case, you didn't listen to Jetli, at least listen to your own Prime Minister. Sir, in your
देखिए, मैं नहीं चाहता कि कोरोना वायरस, मैं नहीं चाहता कि कोरोना वायरस का मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा हो। ये हम देश के हर देशवासी को अफेक्ट करता है, और अगर हम इस पर बोलें तो सिर्फ सकारात्मक हमें क्रिटिसिज्म करने का हक है, सुझाव देने का हक है। और मैं जो अब कहने जा रहा हूँ वो बड़े विनम्रता से एक सकारात्मक सुझाव के रूप से है, मैं निंदा या भर्त्सना के रूप से नहीं कह रहा हूँ। वो ये है कि मुझे एक विरोधाभास लगता है, एक गंभीर विरोधाभास, जो माननीय प्रधानमंत्री ने इतने व्यापक रूप से हिदायतें दी हैं, जिसको अलग अलग मंत्रालय एडवाइजरीज में इशू कर रहे हैं, सब स्कूल्स बंद हैं, सिनेमा हॉल्स बंद हैं, मॉल्स बंद हैं, यात्राएं अंदर भारत की और विदेश में बंद हैं, हमारे कोर्ट्स तीन स्तरों पे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और नीचे वाले कोर्ट्स, लगभग 10-20% पे फंक्शन कर रहे हैं इमरजेंसी बेसिस पे। हर दिन हम जाते हैं वहाँ पर, मुझे मालूम है। सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत है, पार्टीज और सामाजिक मिलना जुलना न्यूनतम होना चाहिए, इन सब की मैं सराहना करता हूँ। तो अपवाद कहाँ से आया संसद का? संसद में मुझे ठीक आंकड़े नहीं है, लेकिन लगभग 2000 लोग तो आते होंगे हर दिन, 1000-1500 आते होंगे सब मिला के। सांसदों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ काम करने वाले कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी इत्यादि। तो अगर आप 1500-2000 की गैदरिंग को किसी रूप से संचालित नहीं करेंगे, मैं पूरी तरह से ये मानता हूँ कि हमें जितने दिन निर्धारित हैं वर्ष में उतना काम करना चाहिए। लेकिन संसद में एक बहुत अच्छी बात यह है कि हम उन दिनों को कभी भी मेकअप कर सकते हैं, निकट भविष्य में कर सकते हैं। मैं आपसे अपनी निजी राय शेयर करना चाहता हूँ, जो कांग्रेस पार्टी की राय नहीं, जो हमने न्यायपालिका को दी कि आप अब से लेकर मई तक न्यायपालिका बंद कर दीजिए, और मई से लेकर जुलाई तक जो हमारे लंबा अवकाश होता है गर्मियों का, उसके दौरान उसको पूरी तरह से मेकअप कर सकते हैं। संसद को तो उतना करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए कुछ मुझे विरोधाभास लगता है, गंभीर विरोधाभास प्रधानमंत्री के कहने पे और जो बाकी चीज़ संसद में हो रही है। मैं समझता हूँ, जैसा मैंने दूसरा उदाहरण दिया, अगर आप जेटली साहब की हिदायत नहीं फॉलो करते तो इस केस में प्राइम मिनिस्टर की हिदायत तो फॉलो करिए। इट्स बीइंग टॉक्ड अबाउट, आई हैव सेड सो नाउ, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ क्लोजर, इट्स नॉट क्लोजर, नो, क्लोजर इज द रॉन्ग वर्ड, वी आर ओनली कैलिब्रेटिंग एंड मेकिंग अप डिपेंडिंग ऑन द, दिस इज नॉट इन माई डोमेन, इट इज विद द मेडिकल एक्सपर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे विल नो वेदर दिस इज फर्स्ट फेज, मिडिल फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, पीकिंग, सेमी पीकिंग। बट सर्टनली इट साउंड्स ऑड एंड अ कॉन्ट्रडिक्शन एंड अ पैराडॉक्स दैट ऑल अराउंड यू देर आर लिमिटेशंस, बट देर इज हंकी डोरी हियर, and I'm very happy that things are going fortunately well here. I'm very happy. द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।